हम किसी का अहित नहीं करते हैं, फिर भी हमारे अहित करने वाले बढ़ जाते हैं, शत्रु बढ़ जाते हैं। कभी कोई भी समय पर हम कोई कर्ज करते हैं, लोन लेते हैं, घर खरीदने के लिए, व्यवसाय के लिए लोन लेते हैं, बाद में वो कर्ज हम चुकता नहीं कर सकते हैं, वो कर्ज चुकाने के लिए हम दूसरा कर्ज करते हैं, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, बेवजह कोर्ट केस में फंस जाते हैं, जो मामले से हमारा लेना देना नहीं है, बेवजह हम कोर्ट केस में फंस जाते हैं। दोस्तों, मैंने मेरे अनेक वीडियोस में आपके साथ एक बात शेयर की है कि हमारी जन्म पत्री में, बर्थ चार्ट में कुछ ग्रह ठीक नहीं होने की वजह से ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती है, और ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आप घर बैठे कुछ उपाय करते हैं, समस्याएं कम अवश्य हो जाती है। दोस्तों, जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और आस्था की। आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, आपको कर्ज में से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, आपके अहित करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, कोई कोर्ट केस में फंस गए हैं, आप बेकसूर है, आपको फंसाया गया है, ये उपाय करके देखे दोस्तों, फायदा अवश्य होगा, लाभ अवश्य होगा। कर्ज में से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ते नजर आएंगे, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए अवश्य आएंगे। जो भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, आप ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, परिवार से जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद हर दिन की तरह छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। बिना जय श्री राम लिखे आप वीडियो बंद नहीं करेंगे, चैनल छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, 8732985130। छोटी फी पे करनी पड़ेगी, आप मैसेज करके रख दे, रिप्लाई अवश्य दूंगा। कितनी फी पे करनी है, कैसे पे करनी है, सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। फालतू के कॉल और फालतू के मैसेज प्लीज़ ना करें, एनी टाइम कॉल ना करें, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको समय दूंगा, वो समय पर आपके साथ बात अवश्य करूंगा, आपका कॉल मैं रिसीव अवश्य करूंगा। दिन में कोई भी समय पर आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, और ज़्यादातर ये मेरे फ़ोन मैं स्विच ऑफ रखता हूँ। ये है अनार। अनेक वीडियो में मैंने आपके साथ एक बात शेयर की कि हमारी इस सृष्टि के ऊपर जितनी भी चीज़ें कुदरत ने बनाई है, वो सभी चीज़ों का अलग अलग ग्रहों से सीधा संबंध है। तो दोबारा एक बात रिपीट करता हूँ कि चार्ट में, जन्म पत्री में कुछ ग्रह ठीक नहीं होने की वजह से ऐसी समस्याएं और परेशानियाँ हमारे जीवन में आ सकती है, विपरीत परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। दोस्तों, ये उपाय आप 9 मंगलवार तक करेंगे। 9 मंगलवार आपको उपाय करना है, पूरी श्रद्धा के साथ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। ये है अनार, ये मंगल है दोस्तों, मंगल से सीधा संबंध है अनार का। अनार के अंदर जो ये बीज है, जो रस है, ये शुक्र है। मंगलवार के दिन सूर्यास्त होने से पहले
पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले, पहले तो सोमवार के दिन 3 अनार ले आए आपके घर के अंदर रखते हैं। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए दूसरी अनार ले आए, मगर 3 अनार खास आप ये उपाय के लिए अलग से लाएंगे। मंगलवार के दिन स्नान करने के बाद पूरे दिन में जब भी आपके पास समय है तब ये 3 अनार हनुमान जी महाराज के मंदिर में ले जाइए, हनुमान जी महाराज की चरणों में रख दें, राम नाम की माला करें, राम नाम के जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी महाराज का कोई भी मंत्र जानते हैं तो वो मंत्र के जप करें। दोस्तों एक और जानकारी आपको दे दूं, अगर परिवार से जुड़े जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले राम नाम के जप अवश्य करें। गिनती ना करें, 5 मिनट 10 मिनट राम नाम के जप अवश्य करें, बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें, दिव्य लाभ होगा। दोस्तों सीधे हनुमान चालीसा पढ़ना ना शुरू करते, 9 मंगलवार तक 3 अनार आप बजरंग बली की चरणों में रखेंगे, बजरंग बली के मंदिर में रखेंगे, बजरंग बली को प्रार्थना करेंगे जो भी समस्या है आपकी, कर्ज, शत्रु या तो कोर्ट केस, उनमें से बाहर निकलने के लिए, वो परेशानी दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज को आप प्रार्थना करेंगे। दोस्तों अगर ये प्रयोग आप 9 मंगलवार तक कर लेते हैं, ये उपाय पूरे विश्वास के साथ 9 मंगलवार तक आप करते हैं, आपको भरोसा देता हूँ 9 मंगलवार के बाद कोई ना कोई रास्ता आपको अवश्य दिखाई देगा, आपके शत्रु शांत होंगे, जो भी कोर्ट केस में आप फंसे हैं उनमें भी आपको राहत अवश्य मिलेगी, कर्ज में से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। दोस्तों कोई मंगलवार छूट गया, आप नहीं जा सके, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर कम से कम 9 मंगलवार तक ये प्रयोग आप अवश्य करेंगे। पवित्रता का पूरा ख्याल रखेंगे, शराब नॉनवेज से दूर रहेंगे। बस दोस्तों आज यहीं पे मेरी बात को विराम देता हूँ। जो भी भाई बहन वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।